कई बार आपके लाइफ में ऐसा कंडीशन आता है जहां आप किसी के एज की बात करते हैं, लेकिन उसका एज क्या है ये एग्जैक्ट आपको मालूम नहीं होता है। यानी अगर किसी का एज आपको मालूम होता है तो आप कहते हैं वह 16 साल का है, या वह 20 साल का है, वह 13 साल का है, वह 14 साल का है। लेकिन कई बार कंडीशन ये होता है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि वह 13 साल का है या 14 साल का है। तो इस सूरत में आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, आप कहते हैं वह 13 से 19 के बीच में है, या वह 14 से 15 के बीच में है, वह 30 से 35 वर्ष के अंदर है, वह 40 से 45 साल के अंदर है, या वह 60 से 65 साल के अंदर है, या फिर आप ये कहते होंगे वो 70 से 75 साल के अंदर है। यानी यहाँ पर आप गेस करते हैं कि वो इतना से इतना के अंदर है। तो क्या आपको पता है इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको कहना हो कोई इंसान 13 से 19 के अंदर है, जैसे 13 से 14, 13 से 15, 13 से 16, 17, 18, यानी 13 से लेकर 19 के अंदर है, तो आप इसके लिए बोलेंगे टीन्स। यानी अगर आपको कहना हो वह 13 से 19 साल के बीच में है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी इज इन हर टीन्स, यानी वह 13 से 19 साल के अंदर है। 13 से 19 साल के बीच के उम्र को टीन्स कहते हैं। अगर आपको कहना हो कोई इंसान 20 से 29 साल की उम्र के अंदर है, यानी 20 से लेकर 29 के अंदर है, तो इस बात को जाहिर करने के लिए आप बोलेंगे 20s। यानी अगर आपको कहना हो वह 20 से 29 के अंदर है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज इन हिज 20s, यानी वह 20 से 29 साल के अंदर है। इसी तरह से 30 से 39 साल के अंदर के लोगों को कहते हैं 30s, और 40 से 49 यानी 40 से 49 के उम्र के लोगों को कहते हैं 40s, और 50 से 59 के अंदर की उम्र वालों को कहते हैं 50s, यानी 50 से 59 साल वाले। 60 से 69 के बीच वालों को कहते हैं 60s, यानी 60 से 69 साल के लोग। उसी तरीके से 70 से 79, यानी 70 से 79 तक के लोगों को कहते हैं 70s, और 80 से 89 के बीच के लोगों को कहते हैं 80s, यानी 80 से 89 के बीच के लोग। और अगर हम बात 90 से 99 तक की करें, यानी 90 से लेकर 99 साल की उम्र की लोगों की करें, तो उनको कहते हैं 90s। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहाँ आप गेस करते हैं कि किसी इंसान का उम्र इतना से इतना के बीच में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।